हेलो फ्रेंड्स, लीगल एडवाइस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट लोकेश अग्रवाल जी। नागपुर गोंजिया से गीता तिवारी पूछती हैं कि 5 साल पहले इनकी सास के नाम मकान था, परंतु उसकी मालकिन उनकी बुआ सास थी। इनके पति और जेठ ने अपने नाम की ज़मीन देकर बुआ से सेटलमेंट कर ली। पूरी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी और इनका हिस्सा बना 1 करोड़ रुपए, जिसमें इनकी सास ने 50 लाख की ज़मीनें इन्हें दे दी। परंतु अब इनकी सास कहती हैं कि पहले हमारा मकान खाली करो और बाकी 50 लाख रुपए फिर दूंगे। और गीता जी कहती हैं कि पहले 50 लाख दो, फिर मकान खाली करेंगे। अब इन्हें क्या करना चाहिए? गीता जी, इसमें आपके पास एक सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि जब आपको आपके रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं है कि वो आपको 50 लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे, और उनको आप पे विश्वास नहीं है कि आप प्रॉपर्टी उनको देंगे या नहीं देंगे, तो इसका एक मीडिया होता है, बाया वे होता है कि आप एक एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी नाम दिया जाता है या एग्रीमेंट का नाम भी दिया जा सकता है। वो एक आप कर लें कि भाई आप मुझसे, जैसे कि आप उनके पास भी 50 लाख रुपए इन हैंड तो होंगे नहीं, तो 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए उनको 1 महीना 1.5 महीना जो भी लगेगा, तो उसमें आप राइटिंग में उनको दे सकते हैं कि सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ दिस 50 लाख रुपीस, अगर आप मुझे ये 50 लाख रुपए दे देते हैं तो ही मैं खाली करूंगी, अदरवाइज मेरा खाली करने का राइट नहीं है। तो वो इस तरह का एक राइटिंग में एग्रीमेंट करके और एक टाइम सेट कर लें, उस दिन आप कर लें, तो इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपका एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, राइटिंग में तो आ गया। वो एग्रीमेंट 100 रुपए के कागज पे होगा एज पर इंडियन कोर्ट फीस है, तो 100 रुपए के कागज पे आप बना लीजिए, उसके बाद काम हो जाएगा। भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।